What's up guys, this is Shayan and I'm back with another video. तो आज की इस वीडियो में बहुत ही मिनिमल से कुछ थीम्स लेकर आया हूँ जहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे काफ़ी अमेजिंग कलरफुल और मिनिमल आइकन्स। तो काफ़ी अमेजिंग ये वीडियो होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। और ये सारी की सारी थीम आपको आपके Xiaomi थीम स्टोर में ईजिली देखने के लिए मिल जाएंगी। और अगर आप इन थीम्स पर सेपरेट वीडियो चाहते हैं, वैसे मैंने कुछ सेपरेट वीडियो बना रखी हैं थीम्स के ऊपर, आप चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बट कुछ थीम्स हैं जिन पर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है, तो आप मुझे वीडियो में बोल सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये जो आइकन्स आप देख रहे हैं, राउंडेड आइकन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे पर्सनली पसंद आए एंड बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, क्यूट हैं, छोटे छोटे से हैं और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देंगे आपके MI UI का। तो मुझे काफ़ी सही लगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोज में, और काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस दी इसने, काफ़ी मतलब कोई लैग वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर आपको, और काफ़ी अच्छा आइकन देखने के लिए मिल जाएंगे। और आपको कहना चाहूँगा गाइस, दिल से थैंक यू जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है और सपोर्ट किया है यहाँ पर, सच में दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा आप लोगों को। देन यहाँ पर आइकन्स आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब सही लग रहे हैं, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं MI के थीम स्टोर से। तो आपको जो थीम डाउनलोड करनी है उसका नाम है पेपर। तब आप इस थीम पर अगर कोई सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं आपके लिए बना सकता हूँ, जस्ट कमेंट करके मुझे बता देना। इसके बाद में जो आपको आइकन दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायरिश आइकन है, बट काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं मुझे। एंड थोड़ा मैंने यहाँ पर साइज़ इनका बड़ा ज़रूर कर रखा है आप लोगों को क्लियरली दिखाने के लिए, नहीं तो आप चाहें तो छोटा साइज़ भी कर सकते हैं अगर आपको बड़े साइज़ का आइकन्स नहीं पसंद। तो यहाँ पर ये वाले आइकन्स भी काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज़ किए गए हैं, यहाँ पर काफ़ी सही मतलब चेंज हो जाते हैं आइकन्स आपके, देख सकते हैं आप क्लोज में भी, और मैसेजिंग का और गैलरी का नीचे सेटिंग का काफ़ी ज़्यादा मतलब स्मूथ से आइकन लगेंगे आपको जब आप यूज़ करेंगे इनको। और मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मतलब आइकन्स ही पसंद आए एंड एक अच्छा एक्सपीरियंस था इन आइकन्स को भी यूज़ करने का। आप अपने Xiaomi थीम स्टोर में जाकर ये थीम भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक अच्छी थीम है। और इस थीम पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल में जाकर। इस थीम का नाम है माउंटेन V12.5। तो आप यहां से इन आइकन्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं इस थीम को। उसके बाद में जो आपको थीम दिखाना चाहूँगा मैं, वो ये है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा मतलब आप देख सकते हैं राउंडेड आइकन्स की थीम है। और ये आइकन मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किए हैं क्योंकि बिल्कुल चेंज आइकन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यूट्यूब का हो गया, म्यूज़िक का हो गया, या फिर कोई भी आप आइकन्स देख सकते हैं नीचे, इंस्टाग्राम का देख सकते हैं, कितना ज़्यादा मतलब चेंज आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर सारे आइकन्स में। तो ये आइकन्स मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किए क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहे थे ये इस वॉलपेपर पर और मेरे डिवाइस को, और काफ़ी एक स्मूथ परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी आपको। एंड इस थीम का नाम है iOS रिमिक्स। अगर आप चाहते हैं कोई सेपरेट वीडियो इस थीम पर तो मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारी थीम होने वाली है उसके जो आइकन्स हैं गाइस, मेरे फेवरेट हैं सही में। मैं अभी इनको यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा ये मतलब ब्यूटीफुल लग रहे हैं मेरे डिवाइस को, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल आइकन्स हैं और बिल्कुल मतलब इनको चेंज कर दिया गया है, कस्टमाइजेशन काफ़ी अच्छी की गई है इन आइकन्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सही लग रहे हैं। क्लोज़ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नोट्स का आइकन बिल्कुल चेंज है, फ़ोन का, कॉन्टैक्ट्स का, एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब स्मूथ लग रहे हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकन भी आपको बिल्कुल चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप अदर आइकन्स भी देख सकते हैं, पिक्सआर्ट हो गया या रिकॉर्डर हो गया। मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा पर्सनली आइकन्स अच्छे लगे, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा ये थीम भी बहुत अच्छी है, मैंने भी इस थीम को यूज़ किया है। अगर आप चाहते हैं इस थीम पर एक सेपरेट वीडियो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सेपरेट वीडियो इन थीम्स पर बना दूंगा। इस थीम को आपको जो डाउनलोड करना है Xiaomi स्टोर से, उसका नाम है 1Q, काफ़ी सिंपल सा नाम है, सर्च करेंगे देन आपके सामने ये थीम आ जाएगी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट थीम आपको दिखाने वाला हूँ वो भी आप स्क्वायरिश आइकन होने वाले हैं, बट काफ़ी ज़्यादा कलर मुझे इस आइकन्स के, इन आइकन्स के अच्छे लगे। एंड आप यूज़ करके देखना, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल देख सकते हैं आप यहाँ पर, सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है इन आइकन्स का। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इन आइकन्स के साथ में, यूज़ कर चुका हूँ इनको, कोई भी वॉलपेपर आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर नोट्स का, मैसेजिंग का और ये गैलरी का, काफ़ी ज़्यादा मुझे कलर वगैरह इन आइकन्स के पसंद आ रहे हैं सच में। तो आप इन आइकन्स को भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देंगे। यहाँ पर पिक्सआर्ट भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आइकन्स में जो देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है एंड काफ़ी स्मूथ आपको आपका डिवाइस लगने वाला है इन आइकन्स को अप्लाई करने के बाद में। वैसे स्मूथ तो होगा ही, बट एक आइकन्स पे भी बात होती है, जब एनिमेशन होती है तो अच्छे लगते हैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंज दिया जाता है इनमें।
तो यहाँ पर इस थीम को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका नाम है हेलो वाइट V12। तो ये टॉप 5 कुछ आज के आइकन्स थे गाइज, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।